أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد, محمد كم بارك كم بارك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد غزوة أحد سنتين سنة هجري अब में सिर्फ एक शख्स का कत्ल लड़ाई का एक सिलसिला छेड़ देता था जो सैकड़ों बयस तक खत्म नहीं हो सकता था तरफ़ैन में से जिसको शिक्स होती थी वो इनत काम को ऐसा फर्ज मत जानता था जिसके अदा किए बगैर इसकी हस्ती कायम नहीं रह सकती थी बदन में क्वैश के सत्तर आदमी मारे गए थे जिसमें अक्सर वो थे जो कुरैश के ताजो अफसर थे इस बिना पर तमाम मक्का जोश इंतकाम से लबरेज था कुरैश का कारवा तजारत जो जंग बदर के जमाने में जो नफे कसी के साथ शाम से वापस आ रहा था इसका रासल माल हिस्सा हिस्सादारों को तकसीम कर दिया गया था लेकिन ज़र मुनाफ़ा अमानत के तौर पर महफूज था कुरैश को कुश्तगान बदर के मातम से फुर्सत मिली तो इस फर्ज के अदा का ख्याल आया चंद सरदार ने कुरैश जिनमें से अबू जहल का बेटा अक्रमा था इन लोगों को जिसके अजीज और करकरब जंग बदर में कत्ल हो चुके थे साथ लेकर अबू सुफियान के पास गए और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी कौम का खात्मा कर दिया अब इंतकाम का वक्त है हम चाहते हैं कि माल मालत का जो नफा अब तक जमा है वह इस काम में सर्व किया जाए ये एक ऐसी दरख्वास्त थी जिसको पेश होने से पहले कबूल कर ली गई थी लेकिन कुरैश को अब मुसलमानों की कुत जोर का अंदाजा हो चुका था वो जानते थे कि जंग बदर में जिस सामान से वो गए थे इससे अब कुछ ज्यादा दरकार है अरब में जोश फैलाने और दिलों को गर्माने का सबसे बड़ा आला शेर था कुरैश में दो शायर शायरी में मशहूर थे उम्र जमीही और मसाफे उम्र जमी ही गजबाई बदर में गिरफ्तार हो गया था लेकिन रसूल वसम ने इकजाय रहम से इसको रिहा कर दिया था कुरैश की दरख्वास्त पर वो और मुसाफे मक्का से निकले और तमाम कबाले कैश में अपनी आतिश बयानी से आग लगाने आए लड़ाइयों में साबित कदमी और जोश जंग का बड़ा जरिया खातूनान हरम थी जो लड़ाई में खातून साथ हुई थी अरब जानों पर खिल जाते थे कि शिक्ष होगी तो औरतें बेहूमत होंगी बहुत सी औरतें ऐसी थीं जिनकी औलाद जंग बदर में कत्ल हो चुकी थी इसलिए वह खुद जोश इंतकाम से लबरेज थीं और उन्होंने मन्नतें मानी थीं कि औलाद के कातलों का खून पीकर दम लेंगी वर्ष जब फौजें तैयार हुईं, तो बड़े बड़े मौजूद घरानों की औरतें भी फौज में शामिल हुईं। इनमें से बाज के नाम हसब जैल हैं नंबर एक हिंद अतबा की बेटी और अमीर मवी रजानों की माँ नंबर दो उम हकीम अकर्मा फरज़ंदे अबू जहल की बीवी नंबर तीन फादमा बिनते वलीद हजरत खालिद रजानों की बहन नंबर चार बर्जा मसूद सकफी, जो तायफ का रईस था इसकी बेटी नंबर पांच रीता उमर बिन अल आस की जोजा नंबर खनास, हजरत मासब बिन उमर की माँ हजरत हमजर रजील ने हिंद के बाप अतबा को बदर में कत्ल किया था जुबीर बिन मातम का चचा भी हमजा हमजर रजीद के हाथ से मारा गया था इस पर हिंद ने वह को जो जबेर का गुलाम और हर अंदाजी में कमा लगता था हज़रत हमजर रजील के कत्ल पर आमादा किया और ये इकरार हुआ कि इस कारगुजारी के सिला में वह आजाद कर दिया जाएगा रजील के चचा वो इस्लाम ला चुके थे लेकिन अब तक मक्का में ही मुकीम थे उन्होंने तमाम हालात लिख कर एक तेजो कासिद के हाथ रसोल वसम के पास भेजे और कासबित को ताकीद की कि तीन रात दिन में मदीना पहुंच जाए अनुमें पहुंची तो आप सल्हम ने पांचवें शवाल दो सन्ह जी को दो खबर ऐसा जिनके नाम अनस और मोनस थे खबर लाने के लिए भेजे उन्होंने आकर इतलाह दी कि क्रैश का लश्कर मदीना के करीब आ गया और मदीना की चरागा कुरैश को इनके घोड़ों ने साफ कर दिया आप सुनसम ने हब्ब बिन मंजर को भेजा के फौज की तादाद की खबर लाए उन्होंने आकर सही तखमीना से इतला दी क्योंकि शहर पर हमला का अंदेशा था हर तरफ पहरे बढ़ा दिए गए हजरत साद बिन रजूल्लाबादा और हजरत साद बिन मासह हथियार लगाकर तमाम रात मस्जिद नबी के दरवाजे पर पहरा देते थे सुबह को आपसे मशवरा किया महाजन के अमूमन और अनसार में से अकाबर ने राय दी कि औरतें बाह किला में बेच दी जाएं और शहर में पना गजी होकर मुकाबला किया जाए अब्दुल्ला बिन अबी सलूल जो अब तक तो कभी शरीक मशवरा नहीं किया गया था इसने भी यही राय दी लेकिन इन नौखस सहाबा रजानिम ने जो जंग बदम में शरीक ना हो सके थे इस बात पर इशर किया कि शहर से बाहर निकलकर हमला किया जाए आनंद घर में तशीफ ले गए और जरा पहनकर बाहर तशरीफ लाए अब लोगों को नदाबत हुई कि हमने रसुल्लासम को खिलाफ मर्जी निकलने पर मजबूर किया सब ने अर्ज की कि हम अपनी राय से बाद आते हैं इशाद हुआ कि पैगम्बर को जेबा नहीं कि हथियार पहनकर उतार दे क्वैश बद्र के दिन मदीना के करीब पहुंचे और कोहे अहद पर पड़ाव डाला अनदर सल्ला वसलम जुम्मे के दिन नमाज जुमा पढ़कर एक हजार सहाबा रही के साथ शहर से निकले अब्दुल्ला बिन उबी तीन सौ की जमीयत लेकर आया था लेकिन ये कहकर वापस चला गया कि मोहम्मद वसलम ने मेरी राय ना मानी अनुसलम के साथ अब सिर्फ सात सौ सहाबारा आ गए इनमें एक सौ जरा पोस्ट थे मदीना से निकलकर फौज का जायजा लिया गया और जो लोग कमसिन थे वापस कर दिए गए इनमें हजरत जैद बिन साबित रजलतलान हजरत बरा बिन आजिब रजलतलान हजरत अबू सैद खदरी रजलतला हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजलतला और हजरत अराबा ऊसी रजलतन भी थे लेकिन जान सारी का ये यह था कि नौजवानों में से जब हजरत राफे बिन खदीज रजलतला से कहा गया कि तुम उम्र में छोटे हो वापस जाओ तो वह अंगूठों के बल तन के खड़े हो गए कि कद ऊंचा नजर आए चनाचे इनकी तरकीब चल गई और वो ले लिए गए समरा एक नौजवान जो तो उनके हम सिंह था उन्होंने ये दलील पेश की कि मैं राफे रजलतानों को लड़ाई में पिछाड़ लेता हूं इसलिए अगर उनको इजाजत मिलती है तो मुझको भी मिलनी चाहिए दोनों का मुकाबला कराया गया और समरा रजलतलानों ने राफे रजलतानों को जमीन पर दे मारा इस बिना पर इनको इजाजत मिल गई अनसलम ने बहुत को पुष्ट पर रखकर सब की हज़रत मासब रजान बिन उमैर अलम अनायत किया अल रजाले के अफसर मुकर हुए हजरत हमज रजाना को इस हिस्सा फौज की कमान मिली जो जरा पोस्ट न थे पुश की तरफ अहतमाल था कि दुश्मन इधर से आए इसलिए पचास तीर अंदाजों का एक दस्ता मुतय फरमाया और कि गो लड़ाई फतेह हो जाए तमाम तो वह जगह से ना हटेंगे हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर रजन इन तीर अंदाजों के अफसर मुकर हुए कुरैश को बदर में तजर्बा हो चुका था इसलिए उन्होंने नहाय तरतीब से सफाराई की मेमना पर खालिद बिन वली रजाना को मकर किया मेसरा अक्रमा को दिया जो अबू जहल का फर्जन थे सवारों का दस्ता सफवान बिन उमिया की कमान में था जो कुरैश का मशहूर रईस था तीर अंदाजों के दस्ते अलग थे जिनका अफसर अब्दुल्ला बिन अबी रबिया था तलहा अलम्बरदार था दो सौ घोड़े कोतरे रकाब में थे कि जरूरत के वक्त काम आए सबसे पहले तबले जंग के बजाय खातूनान कुरैश दफ पर इशार पड़ती हुई बढ़ी जिनमें कुश्तगा बदक मातम और इंतकाम खून के रज्स थे हिंद अबू सफियान की बीवी आगे आगे और चौदह औरतें साथ साथ थीं अशार ये थे तर्जुमा हम आसमानों के तारों की बेटियां हैं हम कालीनों पर चलने वालियां हैं अगर तुम बढ़कर लड़ोगे तो हम तुमको गले मिलेंगी और पीछे कदम हटाओ तो हम तुमसे अलग हो जाएंगी लड़ाई का आगाज किस तरह हुआ कि अबू आमिर जो मदीना मुनवरा का एक मकबूल आम शख्स था और मदीना छोड़कर मक्का में आबाद हो गया था डेढ़ सौ आदमियों के साथ मैदान में आया इस्लाम से पहले जुहुद और पारसाई की बिना पर तमाम मदीना इसकी इज्जत करता था क्योंकि इसको ख्याल था कि अनसार जब इसको देखेंगे तो रसूल वसम का साथ छोड़ देंगे मैदान में आकर पुकारा मुझको पहचानते हो मैं अबू आमिर हूँ। अनसार ने कहा हाँ बदकार, हम तुझको पहचानते हैं खुदा तेरी आज़ू बढ़ ना लाए कैश का अलमबरदार तलहा, सबसे निकल को पुकारा क्यों मुसलमानों तुम में कोई है कि या मुझको जल्द दो में पहुंचा दे या खुद मेरे हाथों बहिष्ट में पहुंच जाए हजरत अली रजी मुर्तजा ने सबसे निकलकर कहा मैं हूं ये कहकर तलवार मारी और तलहा की लाश जमीन पर थी तलहा के बाद इसके भाई उस्मान ने जिसके पीछे पीछे औरतें अशार पट्टी आती अलम हाथ में लिया और रिज पड़ता हुआ हमलावर हुआ तर्जमादा का फर्ज है कि नेजा का खून में रंग दे या वो टकरा कर टूट जाए हजरत हमजे रजानो मुकाबला को निकले और शाना पर तलवार मारी के कमर तक उतर आई साथ ही इनकी जुबान से निकला कि मैं साकी हजाज का बेटा हूं अब आम जंग शुरू हो गई हजरत हमजा रज हजरत अली रजील रजन हजरत अबू रजील रज फौजों के दिल में घुसे और सफ़ों की सफ़ें साफ कर दींरत अबूद जाना रजन अब के मशहूर पहलवान थे अनुसम ने दस्ते मुबारक में तलवार लेकर फरमाया कौन इसका हक अदा करता है इस शत के लिए दफातन बहुत से हाथ बढ़े लेकिन ये फख्र हजरत अबू अबूदजानजल तैन के नसीब में था इस गैर मतवक़ इजत ने इनको बाद शुजात से मुस्रत कर दिया सरपरसुर्ख रुमाल बांधा और अकड़ते तनते हुए फौज से निकले आनंदम ने फरमाया कि चार खुदा तला की तख्त नापसंदीदा है लेकिन इस वक्त पसंद है हजरत अबू अबूदजान रजलता फौजों को चीरते लाशों पर लाशें गिराते बढ़ते चले जाते थे यहां तक कि हिंद सामने आ गई इस पर तलवार रख कर उठा ली तलवार इसका बिल नहीं कि और पर जाए। दो दस्ती तलवार मारते जाते थे और जिस तरह की सफे साफ हो जाती थी इसी में सामने आ गया। के कहा, के बच्चे कहा जाता है ये कहकर तलवार मारी वो खाक पर ढेर था वह एक हफ् गुलाम था और जिससे खुबे बिन मौतम इसके आका ने वादा किया था कि अगर वह हमजा रजील्तन को कत्ल कर दे तो आज़ाद कर दिया जाएगा वो हजरत हमजा रजील की ताक में था हजरत हमजा रजी बराबर आए तो इसने छोटा सा नीजा जिसको हरबा कहते हैं और जो हफ्सों का खास हथियार है फेंक कर मारा जो नाफ में लगा और पार हो गया हजरत हमजा रज ने इस पर हमला करना चाहा लेकिन लड़खड़ा कर गिर पड़े और रूह पर कर गई